अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? मैं आज आपसे बहुत अच्छा मीठा शेयर करूंगी जिसे आपने ईद पे ज़रूर बनाना है। बहुत मज़े का है। छोटा सा एक बाउल ले लें, उसे आप हल्की आंच पे चूल्हे पे चढ़ाएं और ये हाफ कप है लेमन जूस, उसको इसमें ऐड करें और ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है कॉर्नफ्लोर, उसे भी इसमें ऐड कर दें और खूब इसको मिक्स करें अच्छी तरह। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल क्रीमी माइल हो जाए। जब ये इस तरह से बिल्कुल मिक्स हो जाए तो इसे ठंडा करने के लिए आप फ्रिज में रखें। और ये व्हिप्ड क्रीम को भी आपने खूब ठंडी करके इसको तो बीटर में बीट करना है। एक बाउल में डाल लें और इसको बीटर से बीट करें, बिल्कुल फ्लफ़ी करें। और ये जो व्हिप्ड क्रीम है ये मीठी है, इसमें शुगर नहीं है जाएगी क्योंकि ये मीठी ही है। आपने अगर चीनी को कम तेज़ करना है तो आप कर सकते हैं। ये जो आपने मिक्सचर लेमन का और उसका कॉर्नफ्लोर का रखा था, इसे भी आपने बीट करना है। जब ये ठंडा हो जाए इसे बीटर से बीट करें और बिल्कुल मिक्स क्रीमी माइल कर लें और इसको ऐड कर दें उसी क्रीम में और खूब अच्छी तरह से इसको बीटर से बीट करें जब तक कि ये हल्की सी मतलब फ्लफ़ी हो जाए और हल्की महसूस हो आपको। कम से कम 10 मिनट के लिए इसको बीटर से बीट करें। और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और ये लेमन व्हिप्ड क्रीम, और इसे आपने ज़रूर बनाना है। ये बहुत मज़े की है। एक खूबसूरत सा कोई ग्लास, कोई कप, कोई चीज़ ले लें, स्कूप से इसको इसमें डालें और इसको अच्छे तरीके से आप गार्निश करें। और मुझे आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये आपको कैसा लगा। बहुत मज़े का, इसे ट्राई ज़रूर करिएगा।